ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र। इसका अर्थ है, प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप परमात्मा हमें सही प्रकाश दिखाए और हमारी बुद्धि को सही मार्ग में लेकर चले। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का वो मंत्र है जिसमें अद्भुत अद्वितीय शक्ति समाहित है, जो उपासक के हृदय और मस्तिष्क पर आश्चर्यजनक ढंग से प्रभाव डालता है। इस महामंत्र का नित्य निरंतर जाप करने से अंतःकरण की गहराई में जड़े जमाए बैठे कुविचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष जैसे दुर्गुण खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इसके विपरीत धैर्य, आत्मविश्वास, साहस, निर्भयता, सूझबूझ, परिश्रमशीलता, नियमितता और शांति जैसे सद्गुणों की निरंतर वृद्धि होती जाती है। भारत वर्ष के लोगों में गौ यानी कि गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा और सम्मान रहा है। वेदों, पुराणों और समस्त शास्त्रों में जिस पावनी शक्ति की महिमा गाई गई है और जिसके जप को महान जप कहा गया, जिसे देव मंत्र, सविता मंत्र, महामंत्र और गुरु मंत्र कहा गया है, उस मंत्र, उस शक्ति का नाम गायत्री है। हजारों लाखों वर्षों से हमारा देश श्रद्धा भावना के साथ गायत्री का जाप करता आ रहा है। गायत्री शक्ति क्या है? ये वो शक्ति है जिसके विषय में बड़े बड़े महान पुरुषों ने आदर पूर्वक सिर झुकाकर ये कहा कि यदि गायत्री एक ओर है तो उसकी बराबरी करने वाली दूसरी कोई शक्ति नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक चिंतकों का कहना है कि हर मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान तंतु जहां जाकर जुड़ते हैं उन बिंदुओं की संख्या 24 है और इंसान के अंदर 24 मर्म स्थान है जहां मनुष्य अनेक प्रकार की संवेदनाओं का अनुभव करता है। गायत्री मंत्र में भी 24 ही अक्षर है। कहा गया है कि जब भी कोई इस मंत्र का पाठ करता है तो अनेक प्रकार की संवेदनाएं इस मंत्र के द्वारा होती हुई व्यक्ति के मस्तिष्क को पवित्र कर देती है। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि पुरुषों की आवाज में 175 प्रकार के कंपन, जबकि महिलाओं और बच्चों की आवाज में 225 प्रकार के कंपन और कोयल में 500 प्रकार के कंपन पाए जाते हैं। लेकिन जब दक्षिण भारतीय विद्वानों द्वारा विधि पूर्वक किए गए गायत्री पाठ के कंपनों की उसी यंत्र पर गणना की गई तो इस मंत्र में 700 प्रकार के कंपन पाए गए। उनका कहना है कि ये अद्भुत शक्ति है और इसके उच्चारण से उत्पन्न होने वाली तरंगे मानव के सारे शरीर और मस्तिष्क पर जबरदस्त असर करती है, उन्हें शुद्ध बनाती है। गायत्री मंत्र वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही रूप से अद्वितीय मंत्र है। जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो चुकी है, जो मानसिक रूप से जल्दी थक जाते हैं, ऐसे लोग गायत्री उपासना करके कुछ ही समय में इस महामंत्र के चमत्कार देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। गायत्री मंत्र से स्मरण शक्ति को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस मंत्र के जाप से एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। गायत्री मंत्र को वेदों में बड़ा ही चमत्कारिक और फायदेमंद बताया गया है। कहा जाता है कि अगर गायत्री मंत्र का नियमित रूप से 7 बार जाप किया जाए तो व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल नहीं आती और वो हर तरह के कष्ट से दूर रहता है। गायत्री मंत्र के जाप से व्यक्ति का तेज बढ़ता है और सब मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद ही ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई थी। चारों वेद गायत्री मंत्र की व्याख्या मात्र है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। गायत्री मंत्र नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। चमत्कारी गायत्री मंत्र में
24 अक्षर हैं और ये 24 अक्षर 24 शक्तियों सिद्धियों का प्रतीक है। इसी कारण ऋषियों ने गायत्री मंत्र को सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला मंत्र बताया है। अगर गायत्री मंत्र के लाभ की बात करें तो इसके लाभ अविश्वसनीय हैं। गायत्री मंत्र के नियमित जाप करने से उत्साह बढ़ता है, सकारात्मकता बढ़ती है, तेज बढ़ता है, परमार्थ में रुचि बढ़ती है, पूर्वाभास होने लगता है, आँखों में तेज बढ़ता है, स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है, क्रोध शांत होता है और ज्ञान में अपार वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र पर कई तरह के रिसर्च भी किए गए। इस रिसर्च में नासा और एम्स ने पाया कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से पैदा होने वाला वाइब्रेशन गजब का होता है। ये दिमाग को शांत और बल बुद्धि को बढ़ाता है। ये किसी जादुई दवा की तरह काम करता है। तो चलिए गायत्री मंत्र के उच्चारण से होने वाले चमत्कारिक लाभों का आप और हम अनुभव करें। Oh,
Thank you.